फैमिली तो आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आईएएस की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कानपुर देहात के मैथा ब्लॉक क्षेत्र के बसौसी आदर्श इंटर कॉलेज थाना सिवली के अंतर्गत पुलिस चौकी बागपुर के क्षेत्र बसौसी आदर्श इंटर कॉलेज में जहां के प्रबंधक कृष्ण मुरारी पांडे, प्रधानाचार्य ज्योति पांडे, कृष्ण मुरारी उर्फ भरत पांडे ने बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। इन सभी की मिलीभगत से तीन छात्राओं को दिया गया फर्जी प्रवेश पत्र। जब तीनों छात्राओं सुमन, कंचन, सालनी ये सभी पेपर देने के लिए बागपुर इंटर कॉलेज विद्यालय में प्रवेश कर रही थी तो पता चला कि ये प्रवेश पत्र फर्जी है। ग्रामीणों ने बताया कि इसी प्रकार की घटना 2006 में घटित हो चुकी है जहां कई बच्चों को प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। कानपुर देहात से हमारे संवाददाता बलवीर सिंह के रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? कंचन यादव। किस क्लास में पढ़ रही हैं? इंटर में। क्या समस्या आपकी? प्रवेश पत्र हमको गलत दिया गया है। थोड़ा तेज बोले मैं। आप विद्यालय के बाहर कैसे खड़े हो? आप विद्यालय के बाहर क्यों खड़े हो? आप एग्जाम चल रहा है क्योंकि हम लोगों को प्रवेश पत्र नहीं मिल रहा है। क्यों? हम लोगों को गलत दिया गया है। कैसा गलत, कैसा दिया गया है? हम लोग इस प्रवेश पत्र की इस परीक्षा में हम लोग नहीं बैठ सकते हैं। क्यों नहीं बैठ सकते? यही तो जानकारी हमें लेनी है कि आप क्यों नहीं सकते, कैसा गलत दिया गया है? क्योंकि इस रोल नंबर के दूसरे बच्चे क्लास में अटेंड हो चुके हैं, हम लोगों को नहीं बैठा जा सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं। ये किसने किया? प्रिंसिपल सर। कौन से कॉलेज के आप बच्चे हो? आदर्श इंटर कॉलेज बसौसी कानपुर देहात। आदर्श इंटर कॉलेज? जी सर। तो आपने अपने प्रबंधक से या प्रधानाचार्य जी से इसकी कंप्लेंट की, उससे मिले? जी सर। तो वो क्या कहते हैं? हमें, हम लोगों को यही लिख के बना के दे दिया। यही अपने हाथ से बना के दे दिया? जी सर। तो आपने इसकी जानकारी दी कि हमको इस रोल नंबर के यहाँ पे बच्चे पेपर दे रहे हैं, ये जानकारी दी? तो क्या कहते हैं वो? बच्चे बैठे हैं क्लास में। कितना रुपया लिया है इसका? जो आपको प्रवेश पत्र दिया इसका कुछ पैसा ऐसे लिया है क्या? नहीं, 100 रुपए पड़े थे। 100 रुपए। चलो। आपका नाम? कृष्ण मुरारी पांडे। सर आपका क्या नाम है? कृष्ण मुरारी पांडे। कौन सा विद्यालय है सर आपका? आदर्श इंटर कॉलेज। ये जो आपके बच्चे आपके प्रवेश पत्र के विषय में बोल रहे हैं, उस विषय में आपका क्या कहना है? जी मानवीय चूक है। तो ये एक बच्चे के साथ हो सकता है, दो के साथ हो सकता है? आपके विद्यालय के यहाँ पे कई बच्चे खड़े हुए हैं, तो सबके साथ वही हुआ है? नहीं, सबके साथ नहीं हुआ। तो सब तो यही बोल रहे हैं, सब बाकी पेपर दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके विद्यालय के कम से कम 5-6 बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 नहीं है? 3 है। और है? नहीं, 3। तो आपने इन बच्चों के साथ में जो खिलवाड़ किया है, इनके भविष्य के साथ में, इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर आपका क्या कहना है? इसमें हमें भी खेद है, ऐसी चूक हुई है। तो आपके, आप विद्यालय के प्रबंधक हो, आपको ये लापरवाही आपसे कैसे हुई, क्यों हुई? एक के साथ हो सकता है, दो के साथ हो सकता है, कई बच्चों के साथ में तो नहीं होना चाहिए? नहीं होना कि एक भी बच्चे के साथ नहीं चाहिए। नहीं तो फिर कैसे हो गया? अरे हो गई। अलीगढ़ के कोहिनूर मंच पर एक्टर एंड सिंगर लीजा मलिक ने अच्छा परफॉर्म करते हुए काफी सारे गाने गाए और अपना न्यू एल्बम टिप टिप बरसा पानी पर भी परफॉर्म किया। फास्ट न्यूज इंडिया की टीम ने जब उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि 10 साल पहले मिस दिल्ली का खिताब मुझे मिल चुका है और सिंगर मिक्का सिंह के साथ में गाना भी गा चुकी हूँ। बताया कि मेरी आने वाली फिल्म संजय दत्त के साथ फोटोज वॉज है। हमारे संवाददाता सपन सलमानी से बात करते सिंगर लीजा मलिक। सोशल मीडिया का जमाना आ गया तो सोशल मीडिया से पहले कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा अपने आप को प्रमोट करने में। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो वो आसान हो गया है। सोशल मीडिया के थ्रू लोग रातों रात स्टार बन रहे हैं, जिनमें टैलेंट है सिंगर बन रहा है, जिनमें टैलेंट है एक्टर बन रहा है। हमारे टाइम पे जब आज से 10-12 साल पहले हम लॉन्च हुए थे, मिस दिल्ली बने थे, वो अलग बात है जिस वजह से हम बॉम्बे इंडस्ट्री में लॉन्च हुए। बट देन सोशल मीडिया अगर इतना स्ट्रांग होता उस टाइम तो हमारे लिए बहुत आसान होता, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री से नहीं हैं, हम बहुत ही सिंपल बिजनेस क्लास फैमिली से हैं, somehow made a mark in the industry, but social media I think young generations के लिए बहुत फायदेमंद है। खैर, यहाँ पे हम social media के बारे में बात करने नहीं आए हैं, आज अलीगढ़ महोत्सव में परफॉर्म करने आई हूँ और वैलेंटाइंस का दिन है, सो आई विश everybody, ऑल द व्यूअर्स हैप्पी वैलेंटाइंस डे। बहुत सारा प्यार बांटिए और खूब सारा ब्लेसिंग एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। मैडम, आज अलीगढ़ के लिए क्या खास होगा?
अलीगढ़ के लिए ये खास है कि लीजा मलिक ऑल द वे वैलेंटाइंस डे पे परफॉर्म करने आई, इससे बढ़िया और बेहतर कुछ हो सकता है कि आई एम हियर साक्षात। मैम आपकी सेकंड जो टिप टिप परसा है जो एल्बम आई है जी, ये काफ़ी अब देखा जा रहा है तो व्यूवर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं जी, तो इसके अब आगे की जो आपकी एल्बम है वो कोई और भी एल्बम किस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है? टिप टिप परसा के बाद तो बहुत सारे गाने आ गए हैं, बट टिप टिप परसा सबके जबान पे चढ़ा हुआ है आज तक 4 साल के रिलीज के बाद भी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट उसके बाद तो फ्रॉड रोमांस भी आ गया और मीका के साथ भी आ गया, एक फिल्म कर रही हूँ संजय दत्त सर के साथ कॉल टोरबाज, एक गाना इस मंथ के एंड में रिलीज हो रहा है जिसका टाइटल है माय लव डोंट कॉस्ट अ थिंग। सो बहुत सारी चीजें लाइंड अप है, सो जल्दी आप लोग देखेंगे सोशल मीडिया पे। मैडम और क्या नया करने जा रही हैं? गाने के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, एक नया क्लासिकल सॉन्ग भी इस बार मैं लॉन्च कर रही हूँ, क्योंकि आज तक मैंने कुछ क्लासिकल नहीं किया है, मेरा ज़्यादातर अवतार जो रहा है वेस्टर्न और मॉडर्नाइज रहा है। बट आई एम डूइंग अ वेरी नाइस क्लासिकल नंबर जो कि 2 महीने में रिलीज होगा, फिल्म तो हो ही रहा है, वेब सीरीज चल रही है और आज यहाँ पे वैलेंटाइंस मना रही हूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू। फतेहपुर में आपातकालीन बैठक किया गया जहाँ मानव अधिकार उपभोक्ता फोरम की मौसम खराबी के बाद भी अत्यंत जोश व उत्साह के साथ बैठक को संपन्न किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदित्य कुमार गुप्ता प्रदेश सचिव ने फतेहपुर जिला इकाई के द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन के तहत यह कार्यक्रम चलाया, इसमें लोगों को जागरूक कर उन्हें विभिन्न समस्याओं से निजात दिलाया जाएगा। वहीं जिला अध्यक्ष श्री राम अग्निहोत्री, महिला प्रकोष्ठ की उप जिलाध्यक्ष पूजा सिंह व मीडिया प्रभारी सहित अन्य तमाम सदस्यों द्वारा जिले भर के 13 ब्लॉक में एक एक अवश्य बैठक भ्रष्टाचार उन्मूलन से संबंधित आयोजित कर सदस्यता अभियान की जागरूकता का कार्यक्रम गांव-गांव में चलाया जाएगा। फतेहपुर से हमारे संवाददाता श्रवण कुमार तिवारी की। नमस्कार, श्रवण कुमार तिवारी, फास्ट न्यूज इंडिया फतेहपुर। आप देख रहे हैं कि मैं इस समय मानवाधिकार एवं उपभोक्ता फोरम मंच में उपस्थित हूँ और इस सभा हाल में कुछ महानुभाव एक आवश्यक मीटिंग के तहत यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए हम उपस्थित महानुभावों के विचारों को लेने का कार्य कर रहे हैं। महोदय जी, आप अपना परिचय देते हुए आज मानवाधिकार एवं उपभोक्ता फोरम का ये जो कार्यक्रम आपने आहूत किया है, जो एक आवश्यक बैठक आहूत की गई है, इस आपातकालीन बैठक का उद्देश्य क्या है, इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। सर्वप्रथम आप अपना परिचय देते हुए आपका शुभ नाम क्या है और आप किस पर आसीन है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानवाधिकार उपभोक्ता फोरम जिलाध्यक्ष श्री राम अग्निहोत्री जी, और ये बैठक आहूत की गई है जी। मानवाधिकार उपभोक्ता फोरम तहसील अध्यक्ष और तहसील और ब्लॉक स्तर पर ये सदस्य अभियान जो चलाया जा रहा है जी, इसको मजबूत करने के लिए पदाधिकारी बुलाए गए हैं जी, और इनको अगर जो आदमी सक्रिय नहीं है, जो हमारे सदस्य सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं जी जी, उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा जी जी, और जो हमारे सक्रिय है उनको जैसा भी कार्य दिया जाएगा वो कार्य करने में सक्षम होना चाहिए, और जो समय दिया जा रहा है, जो समय से नहीं आ पा रहे हैं इनके कारण से हम लोग नहीं अगर वो मीटिंग कर पा रहे हैं, तो उनको जो है हम बाहर का भी दिखाएंगे। और ये मानवाधिकार उपभोक्ता फोरम जो संगठन है ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत गांव तक हम ले जाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपका और मानवाधिकार एवं उपभोक्ता फोरम से संबंधित और क्या विचार है? आप जनपद में किस स्तर पर कार्य करना चाहते हैं? ये भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए हम लोग सहायता करते हैं जी। और जैसे मान लीजिए कोई विकलांग पेंशन है या फलानी पेंशन वगैरह जो है, अगर उनको कारण नहीं हो पा रहा, कोई अधिकारी दिक्कत कर रहा है, तो उनको हम जो जा करके लाभ दिलाने का काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और महोदय जी, मैं चाहूँगा कि हमारे समक्ष मानवाधिकार उपभोक्ता फोरम मंच के जनपद का गौरव बढ़ाने वाले सम्मानित श्रीमान आदित्य कुमार जी हैं, आप अपना परिचय देते हुए आप किस पद पर कार्य कर रहे हैं इस फतेहपुर जनपद इकाई से मिल करके, और इस मानवाधिकार को लेकर के आप के क्या विचार हैं, उस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। सम्मानित आदित्य कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आदित्य कुमार गुप्ता है जी जी। मैं मानवाधिकार उपभोक्ता फोरम ट्रस्ट नई दिल्ली का प्रदेश सचिव हूँ जी, उत्तर प्रदेश का।
और मैं मानव अधिकार उपभोक्ता फोरम ट्रस्ट जो चल रही है जी, उसके लिए सदस्यता अभियान चालू की गई है जी, जो तहसील, जनपद, नगर स्तर और हर क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाई जा रही है, उस पर जागरूक किया जा रहा है लोगों को कि भ्रष्टाचार और जो सरकार की तरफ से नीतियां दी जा रही हैं लोगों को जी जी, उस विषय में जागरूक किया जा रहा है जी जी। विशेष उद्देश्य आपका क्या सदस्यता अभियान से संबंधित है या कि और कोई उद्देश्य है? नहीं, सदस्यता अभियान तो हमारा ही है जी, और लोगों को जागरूक करना, जो लोग जागरूक नहीं है उनको जागरूक करने के लिए जी। किस विषय में जागरूक करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार या उनके साथ जो अन्याय हो रहा है जी, जो पुलिस लोग उत्पीड़न कर रहे हैं जी जी, उनकी शिकायतें नहीं दर्ज हो रही है जी जी, इस विषय में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अभी आपने देखा सम्मानित प्रदेश सचिव जी के द्वारा इनके अपने विचार हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन का कार्यक्रम हम मानवाधिकार के मंच द्वारा अपने जनपद को जागरूकता के तहत संचालित करेंगे। और इसी के साथ मैं चाहूंगा, इधर बहन जी हम सब के मध्य में उपस्थित हैं, मैं आपका भी परिचय जानना चाहूंगा, आप अपने विचार आज इस सभा में रखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप फतेहपुर जनपद इकाई से क्या कहना चाहती हैं? मैं मानवाधिकार उपभोक्ता फोरम से जिला उपाध्यक्ष पूजा सिंह, मैं आज की महिलाओं से बस इतना कहना चाहती हूँ कि वो अपने हक की लड़ाई खुद से लड़े, उनके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, उनको अपने लिए खुद से आवाज उठानी पड़ेगी, और वो अपनी आवाज उठाएंगे तो उनके साथ दूसरा भी आवाज उठाएगा, उनके साथ हम लोग हैं, हमेशा उनके साथ रहेंगे, वो अपने अधिकार के लिए आवाज उठाए तो उनके साथ हम हमेशा बराबर से साथ देंगे। बिहार के महाराजगंज में महर्षि दयानंद विद्यालय के प्रांगण में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने खेल में अपना रुचि दिखाया। वहीं विद्यालय के चंद्रशेखर आर्य प्रधानाध्यापक ने बताया कि संजय पुरवार्ड पार्षद और विद्यालय के उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश जी भी खेल में उपस्थित रहे। बिहार से हमारे संवाददाता कौशल कुमार की। स्कूल महाराजगंज, मैं चंद्रशेखर आर्य प्रधानाचार्य, अपने विद्यालय में महर्षि दयानंद मिशन स्कूल के बच्चों द्वारा महर्षि दयानंद के 12 फरवरी के जन्म के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम यहां पर विद्यालय परिसर के सामने आयोजित है, और हमारे गणमान्य अतिथि श्रीमान संजय जी पूर्वाट पार्षद यहां पर उपस्थित हैं, और अपने विद्यालय के उपाध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर दिनेश चंद्र जी भी उपस्थित हैं। यहां पर बच्चों का खेल कूद का आयोजन है, कबड्डी, खो खो, और इसके लिए बच्चे अभ्यास भी किए हुए हैं, उनका प्रदर्शन अच्छा हो भी रहा है, और हम शुभकामना व्यक्त करते हैं कि बच्चों का भविष्य होगा, खेल कूद का भी जीवन में बहुत महत्व है, खेल के बिना जीवन उदास है। आज व्यक्ति जो तनाव में रहते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति खेल कूद से दूर न हो, और खेल में योग में लोग ध्यान अपना लगाएं और लोग स्वास्थ्य लाभ करें, ये आग्रह। जौनपुर सिरेरी थाना अंतर्गत ग्राम सभा कोरवा रामपुर में कई शौचालय का आधा अधूरा कार्य किया गया। लोगों ने बताया कि पूर्व प्रधान हरिश्चंद्र के कार्यकाल वर्ष 2014-15 में बनाया गया, शौचालय निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। जौनपुर से हमारे संवाददाता पवन धीवर की। ग्राम सभा मौजूद हूँ, आइए हम देखते हैं, यहाँ पे शौचालय का कार्य पूरा नहीं किया है और काफ़ी तौर से घोटाले दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे गड्ढा और ना तो 2014 का बना हुआ शौचालय देखते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं शौचालय का निर्माण किस तरह से हुआ है, आधा आधा कार्य हुआ, आधा पे छूटा हुआ है, देखते हैं किसका शौचालय है। जी, आपका शुभ नाम? जी, आपका शौचालय है? हाँ। तो क्या हुआ इसमें, कौन कौन किस सन में बना था, कौन प्रधान बनाए थे आपके? मुकादम। तो क्या हुआ, पूरा कार्य हुआ? नहीं। क्या बोले उसमें? उसमें कहा कि यार बर्तन सर्तन आया अपने घर से देव ले जाया। हाँ। तो हमने ना ही गए, हमके कि जब तू प्रधान हो के जब हमने के पहुंचावत ना ही हुआ, तब हमने तो घरे आई आने बर्तन बर्स मन से धुन मनवा तो, किस प्रकार के थे पहले? प्रधान तो एकदम बेकार आदमी है, जब कुछ कहला ना है बहन तो बेकार है बहन में। जी, जो प्रधान इस समय है प्रेजेंट टाइम में, उनसे इसकी शिकायत आपने किया?
नहीं भैया उनसे आवत हम नियम तो बना प्रधान तो जनवातन कर तो नए प्रधान भी नहीं उससे कार्यवाही कुछ बनाने के निर्णय लिए अभी कुछ नहीं। कितनी बार कहे आपने? दो बार कह चुके हैं। तो शौचालय का कार्य तो बहुत तेजी से चल रहा है इसमें। हाँ लेकिन अब एरिया में बनवाए बहन की तैयार यानी वो भी शौचालय का कार्य बहुत कम कर रहे हैं। हाँ कम कर बस कर इतना बहुत दिखाई दे। खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही बना रहेगा। बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।